आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। दूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लोस्तम को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांधो इसे इसी खंबे से, आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांधो इसे। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण, कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो सकते कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तुझे नहीं बचा पाया, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
तू? कौन है तू? अगर बताना आगे बता रहा तू? किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय ना दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, ना घर के बाहर। तू ना घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख, तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है ना मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरी मृत्यु अस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचा। सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था।
मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को ये ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में ये समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई? मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकश्यपु के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दयानिधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है, अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं दे सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्मी से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुंचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई आह्लाद और गुरुजन शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री के जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। Thank you.
तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई, तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया, तुमने असभ्यता की इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया, तुमने इतनी छोटी आयु में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने सबको यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र प्रह्लाद, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा।